कार्यालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था सुधार के लिए बाहरी लोगों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने कार्यालय में आज इसकी जानकारी दी। इंदौर अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कचोलिया और सचिव घनश्याम गुप्ता ने बताया कि जिला और सत्र न्यायालय परिसर में पार्किंग व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए संघ का कार्यकारिणी मंडल निरंतर प्रयासरत है। इसी तारतम्य में इंदौर जिला अभिभाषक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन से मुलाकात कर जिला न्यायालय परिसर में हो रही समस्याओं के बारे में उन्हें बताया। उसके बाद परिसर में बाहरी व्यक्तियों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने और फूल लेकर अनुरोध भी किया। जिला और सत्र न्यायालय परिसर में केवल जज, वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों के वाहन ही रहने और अन्य बाहरी लोगों के वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को लेकर परिपत्र आदेश जारी कर दिया है। परिसर इंदौर में पार्किंग की समस्या गंभीर समस्या के रूप में व्याप्त थी। इसको लेकर इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी मंडल पहले दिन से ही प्रयासरत था और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से भी पार्किंग समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया था। इसी तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने 21 तारीख को एक पत्र जारी करके जिला न्यायालय में केवल वकीलों, न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों के वाहनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अन्य व्यक्ति जो जिला न्यायालय परिसर में बिना अनुमति के वाहन लेके आएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। जिला जज महोदय के इस आदेश के कारण अब न्यायालय परिसर की पार्किंग समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और बाकी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी अभिभाषक संघ इंदौर की कार्यकारिणी मंडल पुरजोर प्रयास करेगा और प्रयास रहते हैं। सर, अभी लगभग जो अस्त व्यस्त वाहन होते हैं कितने वाहन लगभग कम हो जाएंगे, क्या लगता है सर? यदि पार्किंग व्यवस्था अगर इस नियम का ईमानदारी से पालन हुआ तो जिला न्यायालय परिसर के आधे वाहन परिसर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश लोग बाहरी व्यक्ति, पक्षकार, आरोपी के साथीगण, ये लोग अपने वाहन परिसर में ले आते हैं। इससे जिला न्यायालय में पार्किंग की समस्या उत्पन्न होती है।